हेलो दोस्तों, आज मैं भेट 69 का टेस्ट रिव्यू दूंगा। हालांकि इच्छा था टीचर्स 50 की, बट पिछला जो मेरा वीडियो था ये भेट 69 के बारे में था, तो उसका एक बार मैं टेस्ट रिव्यू दे देता हूँ। और ये दोनों भी खुला हुआ है, इससे थोड़ा बहुत मैं यूज कर चुका हूँ, 100 पेपर्स एंड टीचर्स 50। बाकी जो अलग है वो सील्ड है, खुला नहीं अभी था, तो उसका भी मैं धीरे धीरे दूंगा। अभी आप भेट 16 में आज दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि ये दोनों से प्राइस में कम है, बट ये दोनों से मुझे अच्छा लगा। उस दिन पिछला शनिवार को ट्राई किया था, ये 375 ml की है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा पीता नहीं, मैं सिर्फ 2 पैक, मैक्सिमम 2 पैक से 2.5 पैक इतना ही यूज़ करता हूँ वंस इन अ टाइम। बाकी इसका जो टेस्ट था, ये दोनों से मुझे अच्छा लगा था, तो आज मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एक्चुअली एक्चुअली उस दिन मुझे अच्छा लगा था कि आज क्या है। उस दिन मैं बाहर था, शायद हो सकता है उससे पहले मैं एक बियर भी पिया था, तो उसके लिए भी हो सकता है मुझे अच्छा लगा है। तो मुझे एक्चुअली उस दिन समझ में इतना नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा था, ये दोनों से अच्छा लगा था। तो मैं आज भेट 16 का मैं आपको एक बार दे रहा हूँ, अभी टेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ सही से एक बार, क्योंकि अभी मुझे ठीक पता चल जाएगा कि दोनों से एक्चुअली अच्छा है कि उस दिन मुझे अच्छा लगा था। इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। थोड़ा स्मूथ है ये, थोड़ा मुझे में स्ट्रांग है ये, उससे थोड़ा कम है, ये सबसे कम है, इतना स्मोकी नहीं है। हालांकि ये दोनों अपर वर्सन में आते हैं, स्टार्टिंग लेवल में है, स्कॉचिंग में स्कॉच में है ये, स्टार्टिंग लेवल में आता है, और पासपोर्ट ये दोनों स्टार्टिंग लेवल में आते हैं। उसके बाद ये आता है, ये थोड़ा हाई रेट में आता है। मुझे एकदम बहुत बढ़िया है, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल भी कड़क नहीं है, एकदम स्मूथ है, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। कोई कोई है तो एकदम हार्ड कुछ भी नहीं है, सबसे मुझे ही स्मूथ लगा है ये, जितना भी स्कॉच यूज कर चुका हूँ। कोई ऐसा हार्ड कुछ नहीं है। इसके बाद मेरा जो स्टाइल होता है, मैं थोड़ा 60 ml लेता हूँ, उसके बाद ये 30 ml का छोड़ा जाए 30 ml मैक्सिमम। उसके बाद मैं सर बर्फ देता हूँ, सर आइस 60 ml है, और आपका 30 ml सोडा, और सर कलर एक बार देख लीजिए, एकदम सिंपल कलर है, कोई हार्ड कलर या पूरा एकदम डार्क कलर ये सब जैसे, पूरा एकदम थोड़ा सा ही डार्क है। टीचर्स इन तीनों का प्राइस ये आएगा आपका, जैसे उड़ीसा में से प्राइस आता है 1880 तक आता है, ये आता है 2370 शायद। इसका वॉल्यूम है 42.8 जो अल्कल का परसेंटेज होता है, और इसका शायद उसका भी उतना ही आता है। ये मैं ग्वास वाला आता है, बोल के थोड़ा सा कम है, 1350 दिखा रहा है, बट उड़ीसा में दाम ज़्यादा है, 1900 तक आ जाते हैं यहाँ पे दाम। और ये भी बहुत प्रेस्टिजियस विस्की है, 100 पेपर्स हर कोई जानता है, मतलब तीनों बहुत प्रेस्टिजियस सबको पता ही है। और इसका जो वॉल्यूम है 42.8, भाई साहब का जितना है इनका भी उतना ही है। उतना मैं भेट 16 का भी दिखा दे रहा हूँ,
भी वॉल्यूम जो आएगा आपका 42.8%, लेकिन बनाने का खूबी सबका अलग अलग है। ऑब्वियसली पूरा चीज़ बताया नहीं जाएगा, मैन्युफैक्चर जो मैंने बनाते हैं जहाँ से बन के आता है तो टोटल चीज़ बताएंगे नहीं आपको, लेकिन ये सारी चीज़ सेम होते हुए भी टेस्ट अलग अलग होता है। वॉल्यूम सब एक है अल्कल वाइज, बट जब टेस्ट आपके बारी आती है सब अलग अलग हो जाता है, इसलिए बनावट में थोड़ा बहुत उनका जो भी सीक्रेसी है बताते नहीं किसी को। चलिए अच्छा, सोडा देने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या लग रहा है। पूरा स्मूथ एकदम, मैंने यहाँ पी रहे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ऐसा कि 3-4 पे के बाद आपको ऐसा समझ में आएगा कि नहीं भाई कुछ नहीं लग रहा था, बोल के पी दिया था, अभी पता चल रहा है। पूरा स्मूथ लग रहा है, बहुत बढ़िया ये चीज़ है। जब भी आप लोग पीते हैं घर में ही पीजिए, तो 2 पैक से ज़्यादा मत पीजिए। एक नियम बनाइए कि हफ्ता में एक बार, ऐसा नहीं कि मेरा पास है तो मैं रोज ही पीता रहूँगा, मेरे पास लगभग अभी 15 से 17 बोतल होगा, पर मेरा भी वही नियम है कभी हफ्ता में एक बार, मतलब सैटरडे हुआ या संडे हुआ, और जिस सप्ताह में हो गया तो उस सप्ताह में फिर दोबारा कहीं नहीं पीता हूँ, फिर अगला सप्ताह। ऐसा नहीं कि अब मेरा पास है आप लोग सोचते होंगे भाई साहब बहुत पीते होंगे हमेशा पीते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं स्कॉच लवर हूँ तो स्कॉच ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है पहले कुछ पिया नहीं, पहले बहुत कुछ पिया हूँ। आप नाम लीजिए मैं हाँ बोलता जाऊँगा, मतलब ऑफिसर चेस से लेके ब्लैक लेवल से लेके जो भी अच्छे अच्छे भी है सब पी चुका हूँ। अभी मैं इसलिए वीडियो बना रहा था ताकि जो टेस्ट करने वाले हैं, जो फर्स्ट टेस्ट करने वाले हैं, उनको थोड़ा बहुत मैं रिव्यू दे पाऊँ। पहले क्या कि मैं एक ही बोतल पीता था, जैसे रॉयल स्टाग हो गया, ब्लेंडर ब्लेंडर स्प्राइट हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सब मेरा था। फिर धीरे धीरे 5-7 साल से मैं स्कॉच में आ गया, स्कॉच में आने के बाद वो सब जा नहीं पा रहा हूँ, सब नीचे जा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है मोटामोटी बहुत बढ़िया है और पूरा स्मूथ है। आप भी ऐसे पीजिए जब भी पी रहे हैं, 60 ml लीजिए, 30 ml का सोडा दीजिए, और सोडा सिर्फ 30 ml ज़्यादा नहीं, और बस 4 पीस आइस हो गया। तो कलर देखिए, कलर आपका एकदम ऊपर से भी देखिए आपको यही समझ में आएगा कि एकदम कुछ नहीं है, पूरा सिंपल है। और 2 पैक ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैक लीजिए और ज़्यादा नहीं, बाकी मैं धीरे धीरे दूसरा भी बनाऊंगा तो आपको वो भी अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, स्टे सेफ।